8 पढ़ रहे थे, हमारा चैप्टर था समझ गई नानी। इस लेसन को हमने पढ़ लिया था, अब इसके क्वेश्चंस पर करेंगे। पहला देखो, पहला क्वेश्चन है अरुषि मोबाइल पर गाने कैसे सुनती है। तो वो तेज आवाज में गाने सुनती है ना, तो वो कैसे सुनती है? अरुषि मोबाइल पर तेज आवाज में गाने सुनती है। एक तो मोबाइल पर वो तेज आवाज में गाने सुनती है, दूसरा कभी कभी ईयरफोन लगाकर भी गाने सुनती है। तो वो जो एक तो मोबाइल पर तेज आवाज करके गाने सुनती है, दूसरा ईयरफोन लगा के भी गाने सुनती है। अगला है ध्वनि प्रदूषण कैसे फैलता है। तो क्या है ध्वनि प्रदूषण? टीवी, कूलर, एसी, जनरेटर, मिक्सी, रेडियो, सड़कों पर वाहनों का शोर और बाजारों का शोर, कल कारखानों का शोर, कारखानों में मशीनों का शोर और लाउड स्पीकर और बैंड बाजे के शोर से ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ये जो सारी चीज़ें इनसे क्या है, आवाज़ें निकलती है, उस आवाज़ से ध्वनि प्रदूषण फैलता है। शोर का सबसे अधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो जो शोर होता है उसका सबसे अधिक प्रभाव हमारे कौन से अंग पर पड़ता है? तो शरीर का सबसे अधिक प्रभाव, ये देखो सॉरी, शोर का सबसे अधिक प्रभाव हमारे कानों पर पड़ता है। तो जो शोर होता है उसका सबसे अधिक प्रभाव क्या है, हमारे कानों पर होता है। कान सुनते हैं तो इस पर प्रभाव पड़ता है और ये बहरे हो जाते हैं, तो सबसे अधिक प्रभाव कानों पर पड़ता है। तो अगला क्वेश्चन दिया आपको, नानी की सीख से आदित्य और अरुषि ने क्या निर्णय लिया। उन्होंने नानी के समझाने पर उन्होंने क्या लास्ट में निर्णय लिया, क्या उन्होंने सोचा कि आदित्य और अरुषि ने निर्णय लिया कि अब से वो टीवी और रेडियो की आवाज़ कम रखेंगे और आपस में बातें भी तेज आवाज़ में नहीं करेंगे, ये उन्होंने निर्णय लिया। अब आपके लिखित क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है तेज आवाज़ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है। तो देखो तेज आवाज़ से हम बहरे हो सकते हैं, शोर से रक्तचाप बढ़ जाता है और दिल का दौरा पड़ सकता है, और चौथा पॉइंट है सिर दर्द और निद्रा जैसे रोग हो सकते हैं। ये आपके पॉइंटों में पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनको पॉइंटों में याद करना है, तो इनको नोटबुक में लिख लेना। अब अगला क्वेश्चन दिया आपको, हमारे घरों में शोर क्यों होता है। इसका उत्तर देखो, हमारे घरों में ज़रूरत से ज़्यादा आवाज़ करने वाले उपकरण शोर का कारण बनते हैं। जैसे हम मिक्सी वगैरह यूज़ करते हैं तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, वो उपकरण हम शोर करते हैं, तो क्या घरों में इसकी वजह से ज़्यादा शोर होता है। जो हम उपकरण यूज़ में लेते हैं और उसकी आवाज़ तेज होती है उसकी वजह से। अगला है घर, अब अगला क्वेश्चन है घर के बाहर शोर के क्या कारण हैं। तो देखो घर के बाहर वाहनों से शोर होता है, बैंड बाजों जैसे डीजे वगैरह, ये जो बैंड बाजे ढोल वगैरह होते हैं सब क्या है, इनसे शोर होता है। कारखानों में मशीनों आदि शोर के कारण बनते हैं, जो मशीनें हैं वो सब क्या है, शोर के कारण बनते हैं। अगला है ध्वनि प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। तो देखो ध्वनि प्रदूषण से बहरे हो सकते हैं, रक्तचाप बढ़ सकता है, सिर दर्द हो सकता है, अनिद्रा और हृदय के रोग हो सकते हैं, ये ध्वनि प्रदूषण से होते हैं। अगला है ध्वनि प्रदूषण पर कैसे काबू पाया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखो, इसका उत्तर है पहला पॉइंट है वृक्षारोपण द्वारा। अगर हम वृक्ष लगाएंगे तो उसे क्या है, बहुत कम ध्वनि प्रदूषण होगा। दूसरा है कारखानों की मशीनों तथा वाहनों में साइलेंसर का प्रयोग करके। अब ये कारखाने हैं, इनकी जो मशीनें हैं उसमें और वाहन उसके अंदर जो साइलेंसर होता है ना, कई वाहनों में लगा होता है, तो वो क्या है, साइलेंसर लगा के हम ध्वनि प्रदूषण कम कर सकते हैं। अगला है टीवी, रेडियो, टेप आदि को धीमी आवाज़ में बजाने से ध्वनि प्रदूषण को रोक सकते हैं। तो ये जो घर में मनोरंजन के साधन रखते हैं, टीवी, रेडियो, टेप जो भी है, तो इनकी अगर हम कम आवाज़ रखेंगे, कम आवाज़ में सुनेंगे, तो इससे भी ध्वनि प्रदूषण कम हो जाएगा। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया है, किसने किससे कहा। पहला है क्या, पहले इस टीवी की आवाज़ कम करो। ये किसने बोली, इंदु ने, जो दादी थी उन्होंने बोली, किसको बोली, आदित्य को, जो तेज़ आवाज़ में टीवी देख रहा था, आदित्य को इंदु ने, देखो इंदु ने कहा आदित्य को। अगला है कान तो बने ही सुनने के लिए है, तो ये आदित्य ने बोला, आदित्य किसको बोला, इंदु को, आदित्य ने इंदु को बोला, अपनी दादी को बोल रहा था वो कि जो कान है ये तो सुनने के लिए ही बने हैं। अगला है कभी ऐसा नहीं होता कि पेट की तरह हमारे कान भर जाए, तो ये आरुषि ने बोला, आरुषि ने दादी को,
ठीक है, दादी लिख दो चाहे इंदू लिख दो, इंदू इंदू को, ठीक है। अब अगला है, देखो आइसक्रीम पिघल रही है, ये वेद प्रकाश ने बोला। वेद प्रकाश ने बोला, उन दोनों बच्चों को बोल रहे थे कि भी दादी की कहानी सुन, दादी की जो बातें वो सुन ली तो अब आ जाओ। तो क्या है, वेद प्रकाश ने, वेद प्रकाश ने बोला बच्चों से, बच्चों से। अब देखो जो इंदु ने, आदित्य ने ये लिखा है, ये किसने बोला था वो लिखे हुए हैं, और किससे बोला, आदित्य को, इंदु को, ये किससे बोला था वो है। तो इनको अपने अच्छे से बुक में, नोटबुक में लिख लेना। अब अगला क्वेश्चन दिया आपको, कोष्टक में दी गई क्रियाओं के सही रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें ये कोष्टक में दिए हुए सब, ये शब्द दिए हुए हैं, इनको सही से लिखना है। इधर जो वाक्य लिखे हुए हैं उनके अंदर जो सही सही जचेगा उसको लिखना है। तो देखो, अब मैं कुछ कुछ समझना रहा हूँ, ये तो नहीं जचेगा, तो कहेगा अब मैं कुछ कुछ समझ रहा हूँ, समझ। अगला है, तेज आवाज़ में गाने सुनना से तुम बहरे हो सकते हो। तो सुनना तो सही नहीं है, तो क्या आएगा, तेज़ आवाज़ में गाने सुनने से तुम बहरे हो सकते हो। तो यहाँ क्या आएगा, सुनने से। अगला है, इनको सही लिखना है, ये आके मात्रा लगा के देखा है, आपको जो वाक्य में सही जच रहा है वो लगाना है। आज मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहती हूँ, दादी ने कहा था तो चाहती हूँ, चाहती हूँ। अगला है, गंदगी होने से बीमारियाँ फैलती है, तो फैलती है, ठीक है। अगला है, हम अक्सर ऐसे ही टीवी देखते हैं, ठीक है, तो यह आएगा देखते हैं। ये आपको अच्छे से फिल करना है, ये बुक में फिल कर लेना। अब अगला क्वेश्चन दिया आपको, का के की से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपको ब्लैंक दे रखे, पहले तो हमें क्या शब्द दे रखे थे उसको फिल करना था सही करके। अब आगे आपको का के और की का प्रयोग करना है, इसके अंदर जो सही जचे वही लगाना है। तो देखो, तुम्हें दिल या दिमाग का कोई रोग हो सकता है, तो का कोई रोग हो सकता है, तो यहाँ क्या आएगा, का। देखो, तुम्हें दिल या दिमाग की कोई रोग हो सकता है, नहीं जच रहा, और ना ही तुम दिल या, तुम्हें दिल या दिमाग के कोई रोग हो सकता है, तो का सही है, ऐसे लिखना है। ये सब तुम्हारी पसंद की चीज़ें हैं, तो यह आएगा कि। घर के अंदर टीवी रेडियो आदि का शोर होता है, तो के और का, ये आपको फील करने हैं इसे। अब अगला क्वेश्चन देखो, मैं आप की बात समझ रहा हूँ, तो आप की। आगे है, मेरे पास 10 आइसक्रीम के कप है, तो क्या आएगा के। ये आपको अच्छे से जचाने हैं, फिर इसमें फिल करने हैं, तो ये बुक में फिल कर लेना। आगे दिया हुआ है, इन शब्दों के विलोम शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखिए। ये आपको शब्द दिए हुए हैं, इनके आपको ये विलोम शब्द ढूंढ के लिखने हैं। तो देखो, लाभदायक हानिकारक, अनिश्चित निश्चित, नापसंद पसंद, नीची ऊंची, शक्तिशाली कमजोर, निद्रा अनिद्रा। ये आपको अपनी बुक में लिखना है, ये अपने आप फिल कर लेना, मैंने बोल दिया ऐसे ऐसे आपको करने हैं। अब एक क्वेश्चन आगे, आपको वाक्य शब्दों के वाक्य बनाने हैं, वो हम बोर्ड पे करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। देखो, पहला है, डॉक्टर कहते हैं कि शोर से रक्तचाप बढ़ता है, तो की ये आएगा, तो आपका ये राइट होगा। इनमें से शुद्ध शब्द है ग्रहण, ग्रहण और और ये भी क्या है, गलत दिया हुआ है, तो ग्रहण कैसे होता है, ऐसे ग्रहण, तो ये आपका राइट है। ध्वनि का समानार्थी शब्द है आवाज, वाणी और शोर, ये भी होता है, पर ये क्या है, ध्वनि का जो समानार्थी शब्द होता है वो क्या होता है, आवाज, आवाज से शोर होता है और ध्वनि से शोर होता है, तो ये क्या आएगा, आवाज, इनको सही कर लेना। आगे दिया हुआ है, इन शब्दों से वाक्य बनाइए। ये आपको इधर शब्द दिए हुए हैं, इनके वाक्य बनाने हैं। तो देखो, हानिकारक, हानिकारक का क्या है, प्रदूषण हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, तो ये मैंने क्या है, शब्द दिया हुआ, इधर मैंने वाक्य बनाया इसका, ये ऐसे वाक्य बनता है, शब्दों को मिला के वाक्य बनता है। जैसे क्षमता, तेज आवाज से हमारी सुनने की क्षमता कम हो जाती है, तो ये मैंने दो वाक्य बनाए हैं। तीसरा, महत्वपूर्ण, ग्रहण और कमजोर, ये तीनों शब्दों का वाक्य आपको खुद से बनाने, जैसे मैंने बनाए हैं वैसे बुक में से देख लेना, जैसे अपनी तरफ से। सिर्फ ये महत्वपूर्ण, ऐसे ये दो तीनों शब्द, ये आपके इस वाक्य में आने चाहिए, ये खुद से कर लेना तीनों वाक्य।
और आपका लेसन कंप्लीट हो गया। इसको अच्छे से नोटबुक में कर लेना और जो बुक में फिल कराए वो बुक में फिल कर लेना।